अन्नपूर नगर में एक बल्लभ नाम का राजा था। मंत्री सत्य प्रकाश के ऊपर अपने सारे जिम्मेदारी देकर आराम से रहने लगे। वाह, यह चित्र तो बहुत ही सुंदर है देखने में। चित्रकार, इसकी कीमत क्या है? केवल 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं। महामंत्री। आदेश महाराज। चित्रकार को 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दिया जाए। 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं? अगर इसी तरह चलता रहा महाराज तो पूरा राज्य शून्य हो जाएगा। इसके अलावा पूरे महल में बहुत सारे तस्वीरें हैं, इस तस्वीर को लेकर क्या करेंगे? नया महल बनाओ, वहीं पे यह तस्वीर रहेगा। ठीक है महाराज। दिन पे दिन आपका तबीयत बिगड़ता ही जा रहा है। सारी घटना अपनी पत्नी के सामने रखा। मंत्री की बात सुनकर उनकी पत्नी बोली, आप राजा के पास जाके छुट्टी मांग लीजिए, हम लोग तीर्थ यात्रा पे जाएंगे, आपकी तबीयत मन दोनों ठीक हो जाएगा। इसके बाद पत्नी की बात सुनकर महामंत्री राजा से छुट्टी लेकर तीर्थ यात्रा की ओर निकल पड़े। ये तीर्थ वो तीर्थ घूमने के बाद पहुँचे रामेश्वर। अब आपकी तबीयत कैसा लग रहा है? शहद भी ठीक हो गया और मन भी। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ये क्या, ये तो बहुत अजीब घटना है। राज्य लौट के अभी जाकर महाराज को बताना पड़ेगा। आप ठीक से देखे हैं ना महामंत्री? विश्वास नहीं है तो आप खुद जाकर देख लें। ठीक है, मैं जरूर जाऊं। आश्चर्य, इसका पता मैं लगाऊंगा। कौन हो तुम सुंदरी? मैं गंधर्व राजा की कन्या हूँ, रत्न मंजूरी। लेकिन आप कौन हैं? मैं पुण्यपुर का राजा पल्लव हूँ। क्या रूप है तुम्हारा? मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। उससे पहले मुझे अभिशाप से मुक्त करना होगा। श्राप? कैसा अभिशाप? मेरे पिता मुझसे बहुत प्रेम करते थे। उनके भोजन के समय मैं उपस्थित नहीं रहती थी तो उनका भोजन सम्पन्न नहीं होता था। लेकिन एक दिन। ये क्या, रत्न मंजूरी कहाँ है? वो बगीचे में है, अपने सखी के साथ खेल रही है। क्या उसकी ये मजाल, बुला कर लाओ। जैसी आज्ञा महाराज। मेरे खाने के समय तुम उपस्थित क्यों नहीं थी? पिताजी, सखियों के साथ खेलने में भूल गई थी मैं। तुम्हारी इस गलती की सजा जरूर मिलेगी। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम मृत्यु लोक में जन्म लोगी और हर कृष्ण चतुर्थी की रात में तुम्हें एक राक्षस आकर मारेगा। दया कीजिए पिताजी, मुझ पे दया कीजिए, अपनी पुत्री को इतना बड़ा श्राप मत दीजिए। ठीक है, श्राप वापस नहीं ले सकता मैं। अगर एक शक्तिशाली राजा उस राक्षस को मार देगा और उसी दिन तुम श्राप से मुक्त हो जाओगी। आज है कृष्ण चतुर्थी की रात। देखिए देखिए, राक्षस आ रहा है, आप कहीं छुप जाइए। ठीक है सुंदरी, तुम चिंता मत करो। ठीक है। सुंदरी, आज मैं तुम्हें बहुत प्रसन्न होके मारूंगा। आज मैं अभिशाप से मुक्त हो गई महाराज। मैं अब निश्चिंत होके आपसे विवाह कर सकती हूँ महाराज। ये लीजिए वरमाला।
मंजरी, तो चलो हमारे राज्य में। हाँ महाराज, चलिए। महाराज और महारानी, आप दोनों को आपके राज्य का महामंत्री सत्य प्रकाश स्वागत कर रहा है। आइए महाराज, सिंहासन ग्रहण करें। आइए रानी। महामंत्री, राज्य का अवस्था कैसा है? लक्ष्मी की कृपा से अच्छा है। ठीक है, अच्छा है। महामंत्री, हमारे विवाह के खुशी में राज्य के सारे प्रजाओं को 100-100 मुद्राएं दान किए जाएं। यह मेरा आदेश है। क्या 100-100 स्वर्ण मुद्राएं? आ अच्छा महाराज, बोलिए तो महामंत्री का प्राण त्याग का कारण क्या था? मंत्री यह सोचने लगे कि राजा अपने ही सुख में मगन है। इस तरह 100-100 स्वर्ण मुद्राएं दान करने से पूरा राजमहल शून्य हो जाएगा। इस तरह अर्थ बिना राज्य कमजोर हो जाएगा और कभी भी ध्वंस हो सकता है। यही सब चिंता के कारण मंत्री की मृत्यु हो गई। इसलिए अब मैं चला महाराज। अभी और बहुत दूर जाना है। जा रहा हूँ, उस पेड़ के नीचे बैठ के थोड़ा आराम कर लेता हूँ। गुरु, लगता है सामने शिकार बैठा है, चलकर देखते हैं। ए भैया, उस बैग में जो माल पानी है इसको जल्दी निकाल लो। गुरु ने जो बोला वो जल्दी कर दो। ये क्या, यहाँ पे भी चोरी होता है? जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो देखा बोर्ड पे लिखा हुआ था शांति इलाका। अरे हाँ हाँ, ठीक परे हो, लेकिन हम लोगों का बात नहीं मानने पर। क्या हुआ अंकल जी, लेकिन अब रोते रोते कहाँ जा रहे हैं अंकल जी? क्या बताओ बेटा, मेरा सूटकेस, घड़ी, मेरा महंगा फोन, यह तक पर्स भी मेरा, सब वो दोनों चोर लूट के ले गए। खुल के बताइए ना अंकल जी, क्या घटना है? अच्छा बेटा सुनो, आज सुबह अरे भैया, उस बैग में जो माल पानी है उसको जल्दी बाहर निकाल दो तो। गुरु का बात नहीं मानोगे तो ठीक नहीं होगा। अरे गब्बू। हाँ बोलो ना। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। आइडिया? हाँ। क्या बात है बता। सुन ना। हाँ बोलना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। दरवाजे अंकल। हाँ। आप जाइए और जल्दी पुलिस को लेकर आइए। ठीक है, तब तक हम दोनों पता लगाते हैं। ओह गब्बू, ये सूटकेस कितना भारी है गब्बू। हाँ क्यों नहीं होगा, शायद लगता है रुपया से भरा हुआ है। ए गुरु, लगता है शिकार सामने एक और आ गया। लेकिन ये दोनों तो बहुत छोटा बच्चा है। अरे गोली मारना तो दूर की बात है, कांटे भी निकालने की जरूरत नहीं है, एक बार डरा देंगे तो भाग जाएंगे। और देर मत करो गुरु, जल्दी चलो। ए बच्चों, इस बैग का वजन तुम लोग नहीं संभाल पाओगे, दो हम लेके चलते हैं। फटाफट ये सूटकेस हमें दे दो। ये लो। लेकिन तो बहुत भारी है, उठा पाओगे? देखो मैं इसे कैसे उठाता हूँ। ये गुरु, ये देखो ना, ये बैग सच में नहीं उड़ रहा है गुरु, बहुत वजन है इसका। क्या बात बताते हो गुरु, कोशिश करके तो देखो, उड़ जाएगा। आ, 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 आ।
ओ दिक्कत हो रहा है उठाने में, अभी दिखाता हूँ। ओम टर पुक छर छुक छुट के छलके हो जा छुक छुक। भाई भाई मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊंगा, मुझे छोड़ दो भाई, मुझे छोड़ दो, बचाओ मुझे, बचाओ, सिर में चक्कर आ रहा है, मुझे छोड़ दो भाई, मुझे छोड़ दो। अरे अरे भाई नीचे उतारो मुझे। अरे रुको, अभी पुलिस आएगा तब इसके बाद तुम दोनों को नीचे उतारूंगा। यही है वो दोनों डाकू जो मेरा सूटकेस छीने हैं। अभी मैं रुको तुम दोनों को नीचे उठाता हूँ। ओम टर फुक छर छुक और नीचे उतर लो छर छुक छुक। अरेस्ट हिम। तुम दोनों के बजाय से मेरा सूटकेस मुझे मिल गया और सारा सामान भी, इसीलिए मैं तुम दोनों के लिए कलकत्ता के रसगुल्ले लेके आया। हाँ धन्यवाद। वो शैतान पुसी हम लोगों को सैंडविच में मिर्ची खिला के हम लोगों को अच्छा सबक सिखाए। जब तक मैं उससे बदला नहीं ले लेता तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। मैं बदला लेकर रहूँगा। मुझे भी तो यही टेंशन रहता है कि डिक और पुशी को कैसे भी सबक सिखाना। चलो मेला घूम कर आते हैं। चलो चलो ठीक बोल रहे हो, चलो मेला ही घूम के आते हैं। जादुई बंदूक ले जाओ, जादुई बंदूक ले जाओ। जादू वाला बंदूक ये क्या है, चल जाके देखते हैं। खिलौने वाले जादू वाला पिस्तौल दिखाओ जरा मुझे। सच में इस जादू वाले पिस्तौल में जादू है। अरे अरे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। सुन 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 मेरी बात। तेरा आइडिया बहुत अच्छा है, बहुत मजा आएगा। चल जल्दी चल, सब बंदोबस्त करना पड़ेगा। चल 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 चल। तू लड़ सकता है बंदूक से? हाँ हाँ आता है, लेकिन बंदूक रहेगा तब ना। बंदूक मेरे पास है। ए, 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 ले 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 ए, तेरा है और ए, 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 मेरा है। ठीक है लड़ने के लिए तैयार है तो? तैयार हूँ। 1 2 3 ले जा। चल 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 भागते हैं यहाँ से, भाग। ये क्या, ये तो तेरी बेइज्जती कर दिया, अब क्या करेगा तू? मौका मिलेगा तो मैं इस बेइज्जती का बदला लूंगा। वो देखो लूसी और टॉम आ रहे हैं इधर ही। फल ले लो फल, ताजे ताजे फल, फल ले लो फल। ओए 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 मेरे केले को ले लिया। हाँ रखो रखो, हाथ मत लगो मेरे केले में, ठीक है? रखो 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 रखो। खाऊंगा इसलिए। पहले पैसे दो फिर केले खाओ। रुको ना, दे रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, पहले पैसा दो फिर केला खाओ।
समझे, रखो केला रखो। ठीक है ये लो। शैतान बदमाश, मेरा फल वाला थैला तोड़ दिया तूने, मेरा नुकसान कर दिया तू, कोई नुकसान बनेगा। रुक रुक रुक, मैराथन के दौड़ में जो प्रतियोगिता हो रहा है इसको देख के तो लग रहा है कि एथेंस से पहले नहीं रुकेंगे सब। देखिए गोपाल भाड़, ये है गोपाल भाड़। लक्ष्मी, एक बार ना हो तो लक्ष्मी को ही बोलकर देखता हूँ। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, सुनती हो? ओह, इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? आ रही हूँ, रुकिए आ रही हूँ। हाँ, जरा इधर सुनो ना। ओह, पूरा घर सर पे उठा रखे हैं, क्या हुआ है बताइए। इस ठंड में गरम गरम हलवा खाने का मन कर रहा है, तुम अपने हाथों से बनाकर खिलाओगी क्या? हाँ, यही बात सुनने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा? थोड़ा जोर से बोल देते तो क्या हो जाता, कुछ बिगड़ जाता या पहाड़ गिर जाता? क्या गुस्सा हो गई क्या? नहीं नहीं नहीं, गुस्सा क्यों होंगी, आप मेरे पति हैं, आप खीर खाना चाहते हैं, अगर आपको नहीं खिलाएंगे तो मेरा अहित होगा ना। तो फिर देर मत करो, जल्दी से हलवा बना दो, क्योंकि मुझे राज्यसभा की ओर शीघ्र जाना है। हाँ, ये लीजिए, बना दीजिए जल्दी से, बोलने से हो गया? घर में तो सिर्फ चावल है, दूध और चीनी, जब तक नहीं आएगा तो खीर कैसे बनेगा, और खीर नहीं बनेगा तो आप खा के कैसे जाइएगा राज्यसभा में, बताइए, जल्दी से ले आइए। ठीक कर रही हो तुम, ठहरो, मैं अभी दुकान से दूध और सूजी लेकर आता हूँ, ठहरो, समझ रही हो? ठीक है, जाइए लेके आइए, तब तक मैं चावल साफ कर लेती हूँ, ठीक है? वही करो। अरे गोपाल है क्या, इतनी सुबह सुबह कहाँ चले? हाँ, वही थोड़ा बाजार जा रहा हूँ। बाजार? वह क्यों, कोई मेहमान आएगा ना क्या? मेहमान मतलब? ना, तुम्हारे ससुराल से कोई आने वाला है क्या? तो क्यों, अगर कोई ससुराल से नहीं आता है तो लोग बाजार नहीं जाते हैं? अरे आँख चुरा कर क्यों जा रहे हो? ओह बोला तो, जल्दबाजी है। ऐसी कौन सी जरूरत है जो खड़े होकर 2 मिनट बात भी नहीं कर सकते? है, राज्य कार्य के लिए जल्दबाजी है। राज कार्य? कौन सा राज कार्य, जरा सुने। राज्यसभा में राजा के अधीन नौकरी, सुबह 10 बजे तक राज्यसभा में उपस्थित न होने पर राजा राज्यसभा से खदेड़ देंगे, समझे? बोलिए, यह बात समझ में आई? बात तो दिमाग में आई, लेकिन कुछ हजम नहीं हुई। तुम तो एक अशिक्षित नाई के बेटे हो, खुद एक अशिक्षित हो और राजा के राज्यसभा में नौकरी करते हो। जरा बताओगे राज्यसभा में तुम क्या काम करते हो, कोई बड़ा पद है या सफाई करते हो? इतना छोटा काम गोपाल नहीं करता है। यह गोपाल बहुत बुद्धिमान है, अपने बुद्धि के बल पर राज्यसभा में नौकरी करता है, समझे? तो बताइए मेरी बात समझ में आई या नहीं? इतने देर बाद समझा। हाँ, राजा की चमचागिरी, लगता है राजा भी तुमको उचित पद दिया है। अशिक्षित छोटी जात के आदमी हो तुम, राजा की चमचागिरी के सिवा तुम और कर भी क्या सकते हो? आप तो ऐसे बोलते हैं जैसे लगता है कि एक समय राजा के आप विदूषक थे, या तो ऐसा लगता है विदूषक वाला पद आप ही बनाए हैं। भाई इसे क्या देखे हो, ये किस राजा का चेला है? ओहो विदूषक। गोपाल यह किसी राजा का विदूषक नहीं है। तो फिर कोई राजा है क्या? तो कहाँ के राजा है आप, कृपा कर अपना परिचय देकर हमें धन्य करें। गोपाल तुम बहुत बोलते हो, पहले मेरी बात सुनो उसके बाद तुम बोलो। हाँ बोलिए। यह मेरा शाला है, मगध में निवास करता है,
वहाँ पर यह राजा का मुख्य हिसाब रक्षक है। केवल यही बात नहीं है, वहाँ के सभासदों में इसका बहुत नाम है। उसके पद की बात तो बताइए। हाँ तो जानते हो मगध के राजा उसे क्या उपाधि दिए हैं? क्या उपाधि दिए हैं? पंडित शास्त्री जी। अरे भाई नहीं 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 नहीं, तो फिर पंडित दिग्गज विद्याधर शास्त्री जी। वाह 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 वाह, यह तो बहुत बड़ी उपाधि है। विद्या दिग्गज विद्याधर सुश्री जी। अरे नहीं 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 नहीं, सुश्री जी नहीं, शास्त्री जी, शास्त्री। मगध के राजा क्या कहते हैं पता है? क्या बोलते हैं? मैंने तुमको अभी जो उपाधि दी तुम्हारे ज्ञान भंडार की अपेक्षा बहुत अधिक है। वे स्वयं को विद्या की जहाज कहते हैं, विद्या की जहाज। वाह वाह वाह, सुंदर, अति सुंदर, लाख बात की एक बात है। आहा, ओह, एक ही बार में विद्या की जहाज। तो फिर इसको अपने साथ ऐसे क्यों रखे हैं? हाँ, समंदर में बहा दीजिए इसे, देखिए अपने आप हिलते डुलते चला जाएगा। जितना सब पागल, समय नष्ट किया। यह देखो वो पागल है ना क्या? नहीं नहीं नहीं, छोटे लोग वैसे ही होते हैं। चलो चलो शाला जी। हाँ हाँ हाँ, चलिए 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 जिया जी। रतन ठाकुर, जब एक तारा बजाकर गीत गाते हुए जाता है तो इतना अच्छा लगता है ना। जो बोले हो सही बात है, गीत के सुर और एक तारा के मधुर शब्द से मन प्राण तृप्त हो जाता है। एक तारे की चिड़िंग बिड़िंग आवाज हमें बिल्कुल नहीं सुभाती है। अगर आवाज सुननी है तो सितार की सुनो, कितनी मधुर आवाज। फालतू मत बोलो तो, आवाज बीड़ा की होती है। वह जो हमारे घर के पास वाला बलमाली है बीड़ा बजाता है, सही में एकदम मन प्राण जुड़ा जाता है। हाँ। दूर दूर सबसे अच्छी आवाज तानपुरे की होती है, हमारे जीजा जी के घर के पास। यादव जी है ना, जो माँ सरस्वती की इतनी अच्छी वंदना गाते हैं कि सुनते सुनते मन प्रसन्न हो जाता है। हाँ एकदम, ओह आहा, इस समय भी वह बात याद करने से आंखों में आंसू आ जाते हैं। आहा क्या बताऊं, आहा ओह। अच्छा अच्छा अच्छा, तानपुरा। तानपुरा वो जिसकी आवाज पे 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 इतनी फालतू होती है कि जैसे लगता है आपस में चिड़िया लड़ रही है। चुप रहो, फालतू बोलते हो, तानपुरे की आवाज तुम्हें बिल्लियों का झगड़ा लगता है। वाद्य यंत्रों के बारे में तुम्हें थोड़ा भी ज्ञान है? उल्टा सीधा बोलते रहते हो। जो जानता हूँ, जितना समझता हूँ, उसी समझ से बोल रहा हूँ। ये सब लेकर आपस में झगड़ा मत करो, केवल पता लगाओ कि किस वाद्य यंत्र का शब्द संसार में सबसे मधुर होता है। लेकिन भारत में ही तो कितने प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, कितनों के पास तो विभिन्न प्रकार के अनेकों यंत्र रहते हैं। हाँ सही, तो जैसे तुम्हारा एक तारा बीड़ा और उसका तानपुरा और मेरा सितार। हाँ। तब कौन बताएगा किस वाद्य यंत्र का शब्द सबसे मधुर होता है? सुनने में सबसे अधिक मधुर तो सुना हूँ कि हम लोगों का ये गोपाल नाई का बेटा होकर भी बहुत बुद्धिमान है। गांव की छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान वह खुद करता है। चलो ना उसी के पास जाकर पूछते है। कहाँ हो लक्ष्मी? हुआ? नहीं नहीं, अभी तो उबलना शुरू हुआ है, रुकिए। ओह, अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। हाँ।
उसी वक्त बोली थी कि कुछ नाश्ता कर लीजिए, पर आप नहीं किए। अब क्या आप समझिए? तो फिर भूखे रहिए आप। उस समय क्या जानता था कि हलवा बनने में इतना समय लगता है? हाँ, सोचा था बाजार से दूध चीनी सूजी लाकर दे देता और हलवा तुरंत तैयार हो जाता, मगर यहाँ तो कुछ बात ही। जैसी आपकी सोच वैसा आपका विचार। अच्छा अच्छा, तब तक तो रोटी ही दो, वही खा लेता हूँ, और क्या करूँ? वो नहीं है, मैं खाली। तब घर में कुछ नहीं है? गोपाल, ओ गोपाल, घर में सोए हो क्या? सुनिए, कोई आ रहा है, मैं अंदर जा रही हूँ। तैयार हो जाए तो मुझे बुलाओगी? ठंडा होने पर सूजी का हलवा मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ ठीक है ठीक है। अरे आप लोग आइए 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 आइए, सभी लोग आ जाइए, आ जाइए सभी लोग। उसके बाद कैसे याद आई? जानते हो गोपाल, एक बड़ी समस्या लेकर हम तीनों वृद्ध तुम्हारे पास आए हैं। इसका समाधान जरूर करना होगा बेटा। मैं तो जानता ही हूँ, समस्या में पड़े बिना मेरे पास कोई नहीं आता है। तो बताइए आप लोग किस समस्या में फंसे हैं? हाँ? अरे गोपाल, हम तीनों में यह तर्क हो रहा था कि किस वाद्य यंत्र का स्वर सबसे अधिक मधुर होता है। तो आप लोगों को सुनने में किसकी किसकी ध्वनि मधुर लगती है? मेरा हुआ एक तारा और वीड़ा, उसका तानपुरा और इसका हुआ सितार। बड़े चिंता की बात है, क्या किया जाए? क्या किया जाए, क्या किया जाए? यह देखो पैसा गिर गया, पैसा गिर गया। हाँ नहीं नहीं, यह पैसा मेरा है। नहीं नहीं, यह पैसा मेरा है, मेरी ही जेब से गिरा है। आप लोग देखे तो खुद ही किस प्रकार से अपनी समस्या का समाधान कर लिए। आप लोग समझ नहीं पाए, एक सामान्य पैसे की आवाज सुनकर किस प्रकार से छोटे बच्चों जैसे अपनी मानसिकता छोड़कर आपस में एक दूसरे का सिर फोड़ने के लिए तैयार हो गए। केवल यही नहीं, इस सिक्के की आवाज कान में जाते ही आप लोगों का ध्यान उधर चला गया। इसलिए कहता हूँ कि संसार में पैसे की आवाज सबसे अधिक मधुर होती है। हाँ गोपाल, तुम शायद भूल गए कि हम लोग वाद्य यंत्रों के शब्द के बारे में पूछने आए थे। वाद्य यंत्र क्या है, आप लोग जानते हैं? वाद्य यंत्र का मतलब ना वाद्य क्या? ठीक है, तब सुनो। जब किसी निर्जीव वस्तु को किसी दूसरी वस्तु द्वारा चोट पहुंचाई जाए तो उससे एक मधुर आवाज निकलती है। जिस वस्तु से आवाज निकलती है उसे वाद्य यंत्र कहते हैं, समझे? इससे प्रमाणित हुआ कि पैसे की आवाज सबसे मधुर होती है, जिसको आप लोगों ने खुद ही साबित करके दिखा दिया। और रही चोट करने की बात, यदि आप लोग चाहें तो जमीन पर भी कुछ गिराकर आवाज उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं तो दो मुद्राओं को आपस में टकरा कर भी आप लोग आवाज उत्पन्न कर सकते हैं। तो बोलिए महाशय मित्रों। हाँ गोपाल, तुम सचमुच तर्क संगत सही जवाब दिए हो। हो गया खीर तैयार। अरे बुढ़े लोग अभी तक बैठ के बातें कर रहे हैं, कैसे मैं बुलाऊं उनको? उफ, क्या करूं? मैं तो पहले ही कहा था, गोपाल के पास इतनी बुद्धि है कि वह समस्या का समाधान तुरंत कर देगा। यह तो ठीक है, एकदम यह तो ठीक है। कल्याणी की घटना आप सुने थे ना, जहाँ नेताजी हिंदी विद्यालय में शिक्षकों एवं विद्यालय समिति के साथ जो द्वंद हुआ था, गोपाल उसको चुटकी बजाकर हल कर दिया था। यह सब तो आप लोगों की कृपा है, इसके साथ मेरे स्वर्गीय माता पिता का आशीर्वाद है। लगता है आपकी श्रीमती बुला रही है। नहीं नहीं, मुझे क्यों बुलाएगी? वह सुनो, फिर से चूड़ी की खनखन, बोला ना बुला रही है। अरे बुला रही हो? हाँ। अरे क्या हुआ? होगा क्या, मैं बोल रही हूँ होगा क्या। खीर चाची आपका अंदर इंतजार कर रही है, उनके आने में ज्यादा समय नहीं लगा है।
और हाँ जल्दी से आइए वरना वो जूड़नपुर चली जाएंगी, वो सिर्फ आपसे मिलने के लिए बैठी हैं। नहीं नहीं, उनको और थोड़ा इंतजार करने को बोलो। नहीं नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ। जूड़नपुर जाने के पहले मैं उनको उदरगढ़ भेजना चाहता हूँ। तो फिर जल्दी से आइए। आप लोग थोड़ा इंतजार करें, मैं अभी आ रहा हूँ। क्या हुआ लक्ष्मी, सूजीराम कहाँ है? अजी खीर चाची नहीं, बैठिए बैठिए, मैं जल्दी से आपको परोस देती हूँ वरना ठंडा हो जाएगा। आ, लगता है यादव जी इसी में घूम रहे हैं। ठीक है ना, अब मैं इसको उदरगढ़ भेजता हूँ। जैसे आपकी मर्जी। वाह वाह वाह, चमत्कार, बहुत स्वादिष्ट हुआ है लक्ष्मी। देखें कैसे तरकीब से मैं आपको बुलाई, वरना कैसे खा पाते गरम गरम खीर। वह तो ठीक है, तुम्हारी बुद्धि प्रशंसनीय है, लेकिन किसकी पत्नी हो यह भी तो देखना होगा। क्या बात है, कुछ समझे? उदरगढ़, जुड़नपुर, इस तरह के शब्द तो मैं अपने बाप दादा के मुंह से भी नहीं सुना था। रुको रुको, गोपाल के आते ही पता चल जाएगा। आप लोग इतनी देर बैठे, क्षमा कीजिएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम राज कर्मचारी हो, तुम्हारे कंधे पर कितना बोझ होगा, उसी बोझ के चलते तो तुम अंदर गए थे। गोपाल, उदरगढ़, जुड़नपुर, हलवा चाचा, ये नाम तो मैं कभी नहीं सुना। और सूजीराम महाशय कौन है? इन सारे नामों का संबंध किसी क्षेत्र विशेष से है, और सूजीराम महाशय ही उन क्षेत्रों में जाने की क्षमता रखते हैं। अरे अरे अरे, बातों ही बातों में इतनी देर हो गई, हमें राज्यसभा जाना था। हाँ हाँ ठीक ही है, बहुत देर हुई, चलो हम लोग भी चलते हैं। सुनो सुनो सुनो, महामहिम राजा कृष्णचंद्र जी पधार रहे हैं। महाराज कृष्णचंद्र जी जय हो, जय हो महाराज कृष्णचंद्र जी, जय हो महाराज कृष्णचंद्र की, जय हो, जय हो महाराज कृष्णचंद्र की, जय हो। आज के सभा की कार्यवाही शुरू की जाए। जो स्त्रियां न्याय के लिए आई हैं, उन्हें आदर सहित यहां लाया जाए। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम महाराज। महाराज राजसभा में आने का समय निकल गया, लेकिन अभी तक गोपाल नहीं आया। गोपाल, तुम्हें इतनी देर क्यों हुई? जी आज भोजन बनने में देर हो गई इसलिए। तो फिर कल? पैर में मोच आई थी इसलिए। गत परसों? गोपाल का बहाना तो लगा ही रहता है। कल से प्रातः 10 बजे के अंदर प्रत्येक राज्यसभा सदस्य को प्रवेश करना अति आवश्यक है। जो आज्ञा का पालन नहीं करेंगे उसे राज्यसभा से निकाल दिया जाएगा। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम महाराज, मैं सीता। प्रणाम महाराज, मैं गीता। रिश्ते में हम दोनों बहन हैं। बोलो क्या शिकायत है? महाराज, 1 महीने पहले हम दोनों बहन एक ही वक्त में एक ही घर में 2 पुत्र को जन्म दिए थे। कुछ समय बाद उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है और वो अब मेरे पुत्र पे अपना अधिकार जताती है। नहीं महाराज, ये झूठ बोल रही है, पुत्र इसका मरा है, मेरा नहीं। क्या तुम लोग अपनी संतानों की पहचान के लिए कोई विशेष निशान बता सकती हो? हाँ महाराज, मेरे पुत्र के पीठ पे एक काला तिल है। हाँ महाराज, मेरे पुत्र के भी कान के नीचे एक छोटा सा तिल है। महामंत्री, इन दोनों की बातों में कितनी सत्यता है पता किया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, इन दोनों की बातों में ही सत्यता है। महाराज, आपके पास इतना विलक्षण बुद्धिमान अनुचर रहते भी आप स्वयं इतना चिंतित क्यों हैं? इस जटिल विचार का दायित्व आप उन्हें ही दें। क्या गोपाल, सकोगे? जरूर, तब देखो। जो आज्ञा महाराज। अच्छा, तुम दोनों का कहना है यह पुत्र मेरा है, यही तो? जी हाँ। तुम दोनों ही इस बच्चे को मांगती हो? हाँ चाहिए।
यदि बराबर बराबर दो टुकड़े कर तुम दोनों को दूं तो कोई आपत्ति है? मुझे नहीं है, मुझे है। लेकिन तुम्हारी आपत्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे हिसाब से तो सीता का समर्थन है। जल्लाद, जल्लाद। हुकुम। इस बच्चे के दो बराबर बराबर टुकड़े कर दिए जाए और एक एक टुकड़ा सीता और गीता को दे दिया जाए। जो आज्ञा। दया कीजिए, दया कीजिए, आप इतना कठोर मत होइए। उसका पुत्र उसका ही रहे, मैं वादा करती हूँ कभी भी मैं उसके ऊपर अपना अधिकार नहीं जताऊंगी। लेकिन मेरा एक विनती सुन लीजिए, इस शिशु को मत मारिएगा। आराट, मेरा फैसला समाप्त हो गया। बच्चे की असली माँ गीता है, सीता नहीं। यह कैसे? गीता तो अपने मुंह से खुद बोली कि हर एक माँ चाहती है कि उसकी संतान निरोग बलवान और दीर्घायु हो, जबकि सीता बच्चे का एक टुकड़ा लेने के लिए राजी है, और वहीं गीता अपनी संतान को बचाने के लिए अपने मातृत्व का अधिकार छोड़ने के लिए भी तैयार है। तो आप खुद ही समझ लीजिए कि यह बच्चा किसका है। महाराज, सीता इसकी बात क्या सत्य है? सही सही बोलोगी, अन्यथा तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। हाँ महाराज, ये व्यक्ति सत्य बोल रहा है। ये पुत्र मेरा नहीं, मेरी बहन गीता का है। जन्म के साथ साथ मेरे पुत्र की मृत्यु हो गया और मैं ईर्ष्या के वजह से अपनी बहन का पुत्र अपना पुत्र कह रही थी। मुझे माफ कीजिए महाराज, ऐसी गलती कभी नहीं होगी। ठीक है, इस बार क्षमा कर दिया गया, लेकिन याद रखना भविष्य में फिर ऐसी गलती मत दोहराना। ठीक है, जाओ गीता, तुम अपनी संतान को लेकर वापस जाओ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। सचमुच गोपाल, तुम धन्य हो, तुम्हारा न्याय भी धन्य है। यह सब आपकी कृपा है महाराज। रहा नहीं जा रहा है, अब क्या करूं? और चल नहीं पा रहा हूँ। वो देख, रास्ते पे एक बूढ़ा आदमी गिर गया है, देखना देखना। गिरने दे, तेरा क्या जा रहा है? ऐसे क्यों बोल रहा है तू? एक बूढ़ा आदमी रास्ते पे गिर पड़ा है, चल 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 उनकी मदद करते हैं। आहा, लग रहा बहुत तेज लगा है, तबीयत खराब है। तू जा, मुझे नहीं जाना। तो फिर रह, मैं जा रहा हूँ। दादाजी, रुकिए, उठिए दादाजी, उठिए। रुक, मैं भी पकड़ के उठाता हूँ। कितना सारा फल, थोड़ा फल चुरा लेता हूँ। क्या रे ए बीरू, क्यों ले रहा है तू? हाँ कहा, कुछ नहीं तो, कुछ नहीं। अरे दादाजी को पकड़, सही से उठा पकड़ के। उठिए दादाजी, उठिए। धन्यवाद बच्चों, तुम लोग खुश रहो, जीते रहो बच्चों। एलो बेटा। नहीं दादाजी, वो फल आप ही रखिए, हम लोगों को नहीं चाहिए, रहने दीजिए। दादाजी ये बताइए, आप ऐसी हालत में बाहर क्यों घूम रहे हैं? शौक से नहीं निकला वो बेटा घर से, ये फल बाजार ले जाके बेचूंगा, जो पैसे आएंगे उसी से कुछ खाऊंगा बेटे। ओहो, ऐसी बात है दादाजी, आप पहले थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर बाजार चल जाइएगा फल बेचने। नहीं बेटे, नहीं, ज्यादा दूर जाऊंगा तो फल कैसे बेचूंगा? फल नहीं बेचूंगा तो खाऊंगा क्या बेटे? ये भी सही है। मैं चलता हूँ बेटा, भगवान तुम दोनों का भला करे। भला।
सही से जाइएगा दादाजी। हाँ बेटा, हाँ। चल हम लोग भी चलते हैं। हाँ चल। फल खाएगा? वीरू, ये फल तुझे कहाँ से मिला है बता? तू जब उस बूढ़े दादाजी को उठा रहा था तभी मैं उनके झोले से कुछ फल चुरा लिया था। छी 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 छी, वीरू तू बहुत बड़ा पाप किया है, तू बहुत बड़ा पाप किया है। तू चुप रे, पाप किस बात की पाप? उनको सहारा दिया हूँ, उठाया हूँ, उसके बदले कुछ फल ले लिया हूँ और क्या? वो फल बेचकर उस बूढ़े इंसान का पेट चलता है, तू फल चुरा लिया उनका, तू सही नहीं किया। ठीक किया हूँ। ज्यादा भोला मत बन तू, चुप रहे तू। कितना फल मीठा है, कितना मीठा है। उफ, ये वीरू कब सुधरेगा? इतना लालच करना अच्छी बात नहीं, मुसीबत में सबका साथ देना चाहिए, फायदा नहीं उठाना चाहिए। ज्यादा लालच ज्यादा चालाकी से ये कभी मुसीबत में ना पड़ जाए, बहुत चिंता होती है वीरू के लिए। हाँ? किसी की आवाज सुनाई दे रही है मुझे, बहुत तकलीफ में है लग रहा है। हाँ? क्या हुआ, आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? थोड़ा पानी मिलेगा बेटा? पानी पीजिएगा आप, लेकिन यहाँ पानी में कहाँ से पाऊंगा? हाँ, वीरू का घर पास में है, जा रहा हूँ वहीं से लेके आता हूँ पानी। ला रहा हूँ पानी। नहीं नहीं, पानी नहीं है मेरे घर पे। अरे गरे, रास्ते पे गिरे पड़े रहेंगे और तू घर से मेरे पानी ले जाके पिलाएगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं दूंगा। अरे बाप रे, ठीक है, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे तो पानी पिलाएगा कि नहीं पिलाएगा? हाँ, तू मेरा दोस्त है, मैं तुझे पानी पिला दूंगा, रुक मैं लाता हूँ। ले ले पानी पी ले। दे दे मुझे पानी। चल अब मेरे साथ। क्या हुआ, पानी पी ले तू? नहीं भाई, मैं अपना पानी मैं उस आदमी को पिलाऊंगा। ओहो, पता नहीं कब तू सुधरेगा, सबका मदद करता रहता है। ओहो चल अब चल मेरे साथ तू। ठीक है चल। अरे 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 दादाजी, आहिस्ते आहिस्ते, आराम से पीजिए पानी, वरना अटक जाएगा। आराम से पीजिए, आराम से। धन्यवाद बेटे, मन को शांति मिल गया। आप इस हालत में इस जंगल में क्यों पड़े हुए हैं? आपका घर वर नहीं है क्या? कैसे मैं रहता घर में, मुझे छूट की बीमारी हो गई बेटे। इसीलिए मेरे गांव वाले मेरे गांव से निकाल दिए। मैं 4 दिनों से इस पेड़ के नीचे पड़ा हूँ बेटा, यमराज भी मुझे ले नहीं जाते बेटा। यही तो हमें मिल गया। आप कौन हैं? कौन नाट्यशाला से आए हैं आप? जाइए यहाँ से, जाइए। मैं कोई नाट्यशाला से नहीं आया, मैं यमराज हूँ। हाँ? हाँ,
चित्रगुप्त के हिसाब किताब में एक मुर्दे का हिसाब नहीं मिल रहा है। ये कंप्यूटर बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। वहाँ पे भी कंप्यूटर है क्या? बताओ। कंप्यूटर तो जरूर है, लेकिन इसमें एक हिसाब नहीं मिल रहा है। समझे? बहुत ढूंढ रहा हूँ लेकिन मिल नहीं रहा। साइड दो, उसे ले जाना है, बहुत काम पड़ा है मेरा। हट जाओ। हाँ? अरे अरे नहीं 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 नहीं, उनको आप कहीं नहीं लेके जा सकते, वो तो मरे ही नहीं है। नहीं नहीं ले जा सकते। मेरे बाप आधा तो मरा हुआ है ना, उसी में चल जाएगा। हटो हटो तो सही, यमराज को जाके हिसाब देना पड़ेगा। हाँ वहाँ पे भी उल्टा पुल्टा। ज्यादा ऊंचे आवाज मत करो, अगले महीने में चुनाव है, तुम लोगों के लिए मेरा सीट खोना पड़ेगा, समझे? हाँ, ये कैसी बात? यमराज को सबक सिखाने के लिए यही मौका है। कुछ बोले हो क्या? मैं तो कह रहा हूँ ये तो बहुत बड़ी अन्याय है। एक बूढ़े व्यक्ति जो अधमरा है, मरा नहीं, उसे ले जा रहे हो। वाह, चुप रहो तुम। तो ये तो ठीक बात नहीं है यमराज जी। बोलो बोलो बोलो, क्या चाहिए तुम लोगों को? जो मांगोगे वही मिलेगा, बोलो। बीरू यमराज जी, आपको हम लोगों को एक ऐसा वर देना पड़ेगा ताकि हम लोगों का दुनिया में जय जयकार हो। ठीक है रुको, ये देखो। ठीक है तब रुको। देखो इस गेंद में स्पेशल पावर है, एक गेंद अगर साथ में है तब सारे के सारे तकलीफें दूर हो जाएगी। देखो इस गेंद में इतना पावर है, जिसके पास रहेगा वो दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर बनेगा। हाँ? अब बोलो दोनों में किसको कौन गेंद चाहिए? मुझे मुझे ये वाला गेंद चाहिए। मेरे लिए खाने पहनने के लिए ही काफी है, मुझे यही वाला बोल दे दीजिए यमराज जी। ये लो पकड़ो। तो फिर मैं चलता हूँ। अब तू देखना मुझे इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा शक्तिशाली और धनी रहूंगा मैं। मेरे लिए इतना ही काफी है, खाने पहनने पहनने ओढ़ने के लिए अब मेरे पास कोई अभाव नहीं रहेगा। अब मैं जो चाहूँ वो खाऊंगा, जो चाहूँ वो पहनूंगा, और गांव वालों को भी मन पसंद जैसा सब कुछ खिलाऊंगा। अब गांव में जितने भी गरीब हैं मैं सबका मदद करूंगा, सबका। सुरे उस गरीबों को अपने साथ लेके मैं चला। अरे सुन सुन बीरू, बीरू सुन, इतना लालच ठीक नहीं है भाई, सुन सुन मेरी बात सुन। अपने पूरे जीवन में देखा। इतने सारे खाना, बहुत भूख लगी है। कितना भूख लगी, सब भूख लग गए। भगवान भेजे हैं, भगवान ने मुझे सही बताया, सही बताया। टेस्टी तो हो गई, बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट हो गई होगा। आज तो बात नहीं, मन शांत हो गया। अरे प्यास भी शांत हो गया। भागो भागो भागो, राक्षस आ गया, भागो 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 भागो।
आग लग गया, भागो, राक्षस ने आग लगा दिया गांव में, भागो 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 भागो। पूरे गांव में एक भी लोग नहीं है। हाँ, वीरू के अत्याचार से सारे लोग गांव छोड़ के भाग गए। यमराज, यमराज जी, यमराज तुम कहाँ हो? तुम एक बार सामने आओ। यमराज, यमराज जी एक बार सामने आओ। हाँ, क्या हुआ, क्यों मुझे बुलाए हो? यमराज जी, आप अपना मैजिक वाला बॉल अब वापस ले लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। क्यों, क्या हुआ है? हाँ, पता है आपको। भागो 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 भागो, अरे भागो भागो भागो, बचाओ बचाओ, अरे बाबरे भागो, राक्षस ने आग लगवा दी गांव में, भागो भागो भागो, अरे बाबरे क्या करूँ, बचाओ 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 बचाओ। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। क्या करोगे आप? उसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। सच में? कल सुबह होते ही देख लेना, तो फिर मैं चलता हूँ। छोटा होटल जा रहा हूँ। एक गया, बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। अरे अरे अरे, शैतान शैतान, ये जीतू ही है, राक्षस बना हुआ था। मारो मारो इसको, मारो 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 मारो। इसको सही सबक मिला है। सबक नहीं सिखाया को तो क्या करोगे? मार मार के। मुझे माफ कर दे भाई नरेंद्र, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो भी बताओ, हम लोग क्या सीखे हैं इससे? ताकत का बुरा इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, ताकत को सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, दूसरों के लिए भी करना चाहिए। Ha 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 ha